हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम बात करेंगे कि आप अपने मोबाइल को अपने लैपटॉप या कंप्यूटर का माउस कैसे बना सकते हैं, तो आइए जानते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपना मोबाइल लेना है और जाना है प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है वाईफाई माउस कीबोर्ड ट्रैक पैड कंट्रोल योर कीबोर्ड। तो आप इसे देख सकते हैं, ये आपको मिल जाएगा और आपको इसे डाउनलोड कर लेना है। तो मैंने इसे डाउनलोड कर रखा है, आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। इसके बाद आपको जाना है अपने पीसी में, तो हम अपने पीसी में जाते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे कोई भी ब्राउजर ओपन कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे क्रोम ब्राउजर ओपन करा है। इसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है वाईफाई माउस, तो आपको वाईफाई माउस लिखना है। इसके बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले दिखाई देगा वाईफाई माउस, आपको इस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास अली वेबसाइट ओपन होगी, तो आपको नीचे की तरफ जाना है। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे इंस्टॉल माउस सर्वर ऑन योर कंप्यूटर। तो यहाँ पे आप देख लीजिए आपके पास विंडो है या मैक, तो आपको विंडो कर लेना है। इसके बाद आपका जो सॉफ्टवेयर है डाउनलोड हो जाएगा यहाँ पे, और आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है अपने पीसी या लैपटॉप में। तो मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है। इंस्टॉल करने के बाद आपको अपने मोबाइल लेना है, और यहाँ पे अपना मोबाइल लेते हैं और आप को अपने मोबाइल में करना है हॉटस्पॉट अनेबल। तो हम हॉटस्पॉट अनेबल कर लेते हैं। हॉटस्पॉट अनेबल करने के बाद यहाँ पे आपको अपना जो लैपटॉप है या कंप्यूटर अपने हॉटस्पॉट से कनेक्ट करना है। इसके बाद आपको अपने जो एप्लीकेशन डाउनलोड किया है उसको ओपन करना है अपने फोन में। फिर यहाँ पे आपको सर्च करना है, तो हम यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे नाम आ जाएगा। तो देख सकते हैं, ध्यान रहे इसके दौरान आपका जो फोन है और लैपटॉप कनेक्ट होना चाहिए वाईफाई से। तो मेरा नाम आ चुका है विकास कंप्यूटर का, मैं इस पे क्लिक करता हूँ। उस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सफेद आइकन सफेद स्क्रीन दिखाई दे जाएगी, तो आपको इस पे अपनी उंगली करनी है। और आप देख सकते हैं जो मेरा माउस है वो यहाँ पे घूम रहा है, माउस का कर्सर यहाँ पे मूव कर रहा है। ऐसे आप इसे यूज कर सकते हैं। डबल क्लिक के साथ आप इसे फोटो वगैरह ओपन कर सकते हैं। तो मैं इस पीसी ओपन करता हूँ डबल क्लिक पे, और सिंगल क्लिक पे ये बंद भी हो जाएगा। पर अगर आप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं और आपके लैपटॉप कंप्यूटर में वाईफाई नहीं है, तो आपको यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा एंटर आईपी एड्रेस। तो यहाँ पे आपको अपने कंप्यूटर का आईपी एड्रेस डालना है और आपका जो कंप्यूटर है वो कनेक्ट हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मेरी इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।